हेलो एवरीवन, करियर सोच में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं और एक अनबॉक्सिंग, और ये अनबॉक्सिंग इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो ऑनलाइन कंटेंट डेवलप करते हैं। और जब मैं ऑनलाइन कंटेंट की बात करता हूँ तो वो होते हैं टीचर्स जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं लेक्चर्स का, या फिर हो सकता है पॉडकास्टर्स, और या फिर दोस्त प्रोफेशनल्स वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग वेबिनार्स। और ये बात तो सभी अग्री करेंगे, जब भी कोई आप ऑनलाइन कंटेंट देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, कोई भी कोर्स अटेंड करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका साउंड। अगर आपका साउंड अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी कितनी भी अच्छी रहे लेकिन साउंड अगर अच्छा नहीं है तो आपकी ऑडियंस वहां पे ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। तो फॉर एनी ऑनलाइन कंटेंट डेवलपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साउंड होता है वो आप कैसे एंश्योर करो। स्टार्टिंग में जब आपको माइक यूज करना हो तो आप सिंपल माइक यूज कर सकते हो, जैसे कि बोया जैसी कंपनी है या फिर जैसी कंपनी है जिनके माइक्स आपको 700 से 800 रुपए तक मिल जाते हैं, वो माइक्स आप ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपको स्टूडियो क्वालिटी अगर माइक चाहिए तो आपके पास ऑप्शन होता है कंडेंसर माइक लेने का। और जो कंडेंसर माइक्स होते हैं अलग अलग वैरायटी और अलग अलग प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा नाम कंडेंसर माइक्स में जो है वो ब्लू यटी। आपने बहुत सारे पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स के सामने एक माइक देखा रहेगा और वो माइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लू यटी माइक होता है। तो ब्लू यटी माइक की जो कीमत है वो अराउंड 11,000 रुपया आज की तारीख में अमेजोन पे अवेलेबल है। लेकिन आज जो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये ब्लू यटी माइक नहीं है, लेकिन ये एक FiFine कंपनी का एक माइक है जो बिल्कुल ब्लू यटी की तरह ही दिखता है, लेकिन प्राइस अगर देखा जाए तो उसका ब्लू यटी से आधा है। तो और उसके रिव्यूज जो मैंने देखे, उसके रिव्यूज काफी अच्छे इंटरनेट पर रिव्यूज है, लेकिन उस पे ऊपर ना जाते हुए मैं आपको रियल रिव्यू दूंगा इसका, इसका माइक क्वालिटी कैसा है। अभी आप जो मुझे सुन रहे हो वो है डायरेक्टली माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, इनबिल्ट माइक ऑफ माई वन प्लस एट मोबाइल। So let's remove this and check what is there inside the box. ये मैंने remove किया, इसमें मिलता है आपको ये user manual, फिर ये जो box है उसमें एक foam cover लगा हुआ है, और ये रहा आपका mic which is inside covered in a foam. So let me take this mic out. एक बहुत ही heavy feel दे रहा है आपके हाथों को. So let's check this mic. ये माइक आता है आपको एक स्टैंड के साथ, जहां पे आप ये स्टैंड टेबल पे आप रख सकते हो, और ये काफी ब्लू यटी की जैसे दिखता है। आपने बहुत सारे वीडियोस में ब्लू यटी देखा रहेगा, तो ये काफी ब्लू यटी के साथ ब्लू यटी की जैसे ही दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ एक म्यूट बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन मिलता है जो ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे आपको दो नॉब्स मिलेंगे, जो पहला नॉब है वो है माइक का और दूसरा नॉब है जो है हेडफोन का। तो इसके जरिए आप गेन सेट कर सकते हो, और यहाँ पे जो है वो आपका हेडफोन लेवल मॉनिटर करता है। अगर आप उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका यूएसबी कनेक्टर लगेगा, यहाँ पे माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए एक आपको सॉकेट दिया गया है, और ये जो होल है वो होल के जरिए आप उसको माउंट कर सकते हो। और ये भी देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या अवेलेबल है। ये ऑब्वियसली ये आपका रहा यूएसबी कॉर्ड जो आप कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप और माइक के साथ, और ये आपको मिलता है एक अटैचमेंट जिसके जरिए आप उसको कनेक्ट कर सकते हो किसी भी ट्राइपॉड पे या माइक्रोफोन स्टैंड पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो कोई भी विंडोज पीसी या मैक पे आप ये यूज कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई 5 वोल्ट और 80 mA है, इसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और जो पोलर पैटर्न है वो यूनिडायरेक्शनल है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो 40 Hz टू 20 kHz काफी अच्छा है, और सेंसिटिविटी है जो -45 dB टू ±3 dB है। गाइस, अभी हमने अनबॉक्सिंग किया, और इसी एपिसोड के सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये जो माइक है FiFine कंपनी का माइक जो है वो मैं लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा, उससे रिकॉर्ड करूंगा, और आपको बताऊंगा डायरेक्ट मोबाइल का साउंड और ये माइक यूज करके जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो उसके साउंड में कितना फर्क आता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।